आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को कार ने रौंदा, दरोगा की मौत, 3 सिपाही बुरी तरह घायल। मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र में साल 2021 की आखिरी रात को बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार की देर रात राजीव तिराहा पर गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को कार सवारों ने रौंद डाला। इस हादसे में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां दरोगा की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं घायल सिपाहियों का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए थे, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार नए साल पर गिरिराज धाम में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ बनने पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए दरोगा रामकिशन, सिपाही अमित कुमार, अनुज कुमार, वाहन चालक अतेंद्र कुमार, राजीव तिराहे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक कार कस्बा की ओर से आई कार ने पुलिस टीम को रौंद दिया। घटना में सभी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल दरोगा रामकिशन की इलाज के दौरान मौत हो गई, वह एटा के रहने वाले थे। गोवर्धन के थानाध्यक्ष राजकमल सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मी सरकारी बोलेरो गाड़ी से राजीव तिराहे पर गश्त कर रहे थे। देर रात पुलिस टीम तिराहे पर खड़ी थी, तभी कस्बा की ओर से एक वेन्यू कार ने टक्कर मार दी। घटना में घायल दरोगा की उपचार के दौरान मौत हो गई है, सिपाहियों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि कार सवारों की तलाश में पुलिस जुटी है। कार से पुलिस टीम को रौंदने की घटना तिराहे पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी तिराहे पर गाड़ी के पास खड़े हैं, तभी तेज रफ्तार कार पुलिसकर्मियों की गाड़ी को टक्कर मार देती है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।